नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। दोस्तों, सन 62 और 70 के दशक में नामी ग्रामी दोपहिया वाहन राजदूत का बोलबाला था। हर वर्ग की मांग और डिमांड राजदूत गाड़ी ही हुआ करती थी। राजदूत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कंपनी ने अपने मिनी बाइक को लॉन्च किया 1973 में, जिसका नाम रखा गया मिनी राजदूत GTS 175। देखते ही देखते यह बाइक काफी पॉपुलर होने लगी, क्योंकि साइज वाइज काफी छोटी थी और एक नए लुक में नजर आती थी। लेकिन इसकी बादशाहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। इस मिनी राजदूत को कुछ ही वर्षों के बाद लोग पसंद करना बंद कर दिए और इससे आहत कंपनी ने अपनी इस मिनी राजदूत की प्रोडक्शन बंद कर इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह बाइक उस समय युवाओं की पसंद हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, अब 2024 में इस मिनी राजदूत GTS 175 बाइक को एक नए लुक, बेहतरीन डिजाइन, शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही काफी स्टाइलिश स्पोर्टी लुक में दोबारा कंपनी इसे इंडिया में रिलॉन्च करने की योजना बना रही है, जो साइज वाइज उतनी ही बड़ी रहेगी और देखने में सेम इससे मिलता जुलता ही रहेगा। लेकिन लेटेस्ट फीचर्स की भरमार दिया जाएगा इस बाइक में। दोस्तों, इंडिया में अगर आप छोटा बाइक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोपेड की तरफ जाना होगा। फिर हाल इंडिया में अभी कोई छोटा बाइक नहीं है। एक छोटा बाइक था होंडा का नवी, लेकिन ये बाइक उतना सफल नहीं हुआ, इसीलिए इस बाइक को होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एक छोटा बाइक बहुत ही धूम मचा रहा है। होंडा की ओर से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि यूरोपियन मार्केट में धूम मचा रही होंडा मंकी 175 मिनी बाइक अब इंडियन मार्केट में इसे लॉन्च किया जाएगा। होंडा मंकी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी क्या कीमत होने वाली है, फीचर्स क्या है और माइलेज कितनी देगी और इंडिया में कब तक लॉन्च होगी। दोस्तों, फिलहाल अभी होंडा मंकी को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। होंडा मंकी का ए लाइटिंग एडिशन है। होंडा मंकी बेहद लोकप्रिय मोटरसाइकिल है। इसकी सबसे खास खूबियों में से एक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ पीला, व्हाइट, रेड, ब्लैक कलर का शेड है। होंडा मंकी लाइटिंग एडिशन के USD फोर्क्स, फ्यूल टैंक साइड पैनल, रिंग आर्म और ट्विन रियर शॉक अब्सॉर्बर्स पर एलो शेड है। इसके अलावा आपको फ्रंट और रियर फेंडर, हेडलैम्प, इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर, ब्रेक और क्लच लीवर, टर्न इंडिकेटर और रियर टेल लैंप पर क्रोम मिलेगा। इसकी सीट पैटर्न के साथ चेक डिजाइन में है। फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर स्टिकर लगा देख पाएंगे। होंडा की मिनी बाइक को 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन की पावर के साथ लॉन्च किया जाएगा। बाइक को कंट्रोल करने के लिए 5 गियर इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह कई कलर ऑप्शन के साथ में मिलेगी। इसमें 12 इंच का टायर लगा मिलेगा। इसमें स्पोक व्हील्स और एलाई व्हील्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो 1710 mm लंबाई, 1030 mm चौड़ाई, 755 mm की ऊंचाई मिलने वाली है। 175 mm ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ इसकी कर्व वेट 104 kg की है। अगर इसकी माइलेज को देखें तो यह 75 किलोमीटर की शानदार माइलेज देगी। साथ ही इसमें 5.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ ही ब्रेकिंग के लिए फ्रंट पर ABS की सपोर्ट दी गई है। बात अगर कीमत की करें तो अभी इसकी प्राइसिंग इंडिया में रिवील नहीं किया गया है। फिलहाल अभी इसे थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। इंडिया में इसकी प्राइसिंग 80,000 से 1,00,000 रुपए तक के आसपास होने वाली है और यह इंडिया में 2024 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।